नमस्कार, आप देख रहे हैं सोका टाइम्स और मैं आपके साथ भारती दुबे। देखिए, एक तो भीषण गर्मी और उसके बाद अचानक से बारिश का शुरू होना। अचानक बारिश आने से मौसम में बदलाव हुआ है, साथ ही जो गर्मी है वो जमीन से निकल रही है, उमस पैदा हो गई है। वहीं आपको बता दें, 4 से 5 दिन पहले फरीदाबाद में शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने आकर निरीक्षण किया था फरीदाबाद की और कई जगह जाकर उन्होंने देखा था कि सफाई की क्या व्यवस्था है। जब उन्होंने देखा कि सफाई व्यवस्था बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल ही चरमराई है, हर जगह कूड़े के फट्टे और गंदा बदबूदार सीवर का पानी जो है भरा हुआ है, तो उनको बहुत निराशा हुई। उन्होंने अधिकारियों को भी झाड़ लगाई, साथ ही SDO राजकुमार को सस्पेंड भी किया था। उन्होंने उस वक्त जब निरीक्षण किया था तब ये कहा था कि मॉनसून आने से पहले यानी कि 30 जून से पहले जितनी भी सफाई होनी चाहिए, यानी कि जो कूड़े के खत्ते लगे हुए हैं जगह जगह गंदा सीवर का पानी भरा हुआ है और जितनी भी गंदगी है वो साफ हो जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारी को फटकार लगाई थी और उनको बहुत निराशा हुई कि यहाँ फरीदाबाद में जिसको फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है वो कचरा सिटी बनकर रह गई है। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, जगह जगह के विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, जगह जगह की आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जगह जगह पर कूड़े के खत्ते लगे हुए हैं, गंदा सीवर का पानी भरा हुआ है। देखिए, आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं किस तरीके से गंदगी में घुस रहे हैं। आप सोच सकते हैं इस गंदगी के कारण कितनी बीमारियां फैलती है, कितनी दुर्गंध आती है, आसपास जो है लोग निकलते हैं उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही आप देख रहे होंगे कि हवा से जो कूड़ा कचरा है वो पूरी सड़क पर आ रहा है। गंदे कचरे और गंदा पानी भर जाने के बाद कूड़ा जो है सड़ जाता है और बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, बीमारियां फैलती हैं, मच्छर पनपते हैं और आप देख पा रहे होंगे कि कितनी मुसीबत झेलकर लोग निकलते हैं। अब जांच का विषय ये है कि जब शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा यहाँ पहुंचे और उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई, उसके बाद फरीदाबाद में उनकी फटकार का कितना असर देखने को मिल रहा है। अधिकारियों के सर पर जूं रेंगी तक नहीं, फरीदाबाद जैसा पहले था वैसा ही दिखाई दे रहा है। कहीं से भी कुछ भी एक भी कूड़े का खत्ता नहीं हटाया गया है। हर जगह कूड़े कचरे के ढेर लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, गाय भैंस हर जगह आपको नजर आ रही है। गौ हमारी माता है का नारा देने वाली सरकार इस ओर कोई ध्यान ही नहीं दे रही कि उनकी गौ माता प्लास्टिक खा रही है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं और कूड़ा बीन रहे हैं, उस गंदे कूड़े में हाथ डाल रहे हैं और दुर्गंध ले रहे हैं। कितनी बीमारियां पनपती और कितनी बीमारियां इनको लग सकती है, इनका भविष्य जो कि उज्जवल होना चाहिए, किस तरीके से कूड़े की ओर जा रहा है। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त हम मुझे रोड पर मौजूद है और यहाँ पर आपको बता दें मार्केट भी लगती है और साथ ही केवल मुझे रोड ही नहीं बल्कि 60 फुट रोड, डबुआ कॉलोनी, नैन चौक, साथ ही 24 सेक्टर, तिकोना रोड, हर जगह कूड़े के खत्ते नजर आ रहे हैं आपको। और अधिकारियों से साफ पता लगता है कि एक मंत्री शहर में आता है, फटकार भी लगाता है, लेकिन उस फटकार का असर अधिकारियों तक नहीं पहुंचता है। यानी कि अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक शहरी निकाय मंत्री फरीदाबाद में आया है और उन्होंने आदेश दिया है कि सारे कूड़े के ढेर, सीवर का गंदा पानी, जो भी गंदगी है फरीदाबाद में, वो मानसून से पहले खत्म हो जानी चाहिए। आज 25 तारीख हो गई है, केवल 5 दिन बचे हैं, लेकिन मानसून आने से पहले ही लगातार फरीदाबाद में 3 दिन से बारिश भी हो रही है, जिससे जो है नगर निगम की भी पोल खुल चुकी है। सड़कों पर गंदा सीवर का पानी और बारिश का पानी इकट्ठा बह रहा है और लोग जो है उसके अंदर से निकल रहे हैं। इससे जनता को कितनी समस्याएं हो रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक अधिकारी जिसको आदेश दिया गया है कि जगह जगह जो कूड़े के खत्ते लगे ये उड़ जाने चाहिए, लेकिन उसको मंत्री का भी असर नहीं हो रहा है। अगर जब मंत्री का असर ही नहीं हो रहा, सस्पेंड करने के बाद भी असर नहीं हो रहा है, तो वो किसकी सुनेंगे, कैसे काम करेंगे? आखिर क्यों अभी तक कूड़े के खत्ते नहीं हटे हैं? एक या दो जगह से तो हटने चाहिए थे, कहीं से भी नहीं हटे, काम हुआ ही नहीं है। खत्तों के बारे में जो बात थी, हमारे जो है 120 कलेक्शन पॉइंट है और 100 GVP पॉइंट है जो डेली उठते हैं, उनमें असल में इको बिनिंग थोड़ी दिक्कत आ गई थी और हमने इको, कुछ इको बिनिंग का काम था, कुछ हमने मशीनरी किराए पर ली हुई थी,
तो उसको कवर अप करने के लिए अब हमने मशीनरी अपनी बढ़ा दी है और किराए की, और जो ना उसमें भी हमने एक तरह से जो गार्बेज जगह जगह इकट्ठा हो रहा था उस पर भी हम नियंत्रण कर लिया है। तो उसमें भी अगले 2-3 दिन में सारी जो जितने भी जहाँ जहाँ गार्बेज स्टॉक हो रखे हैं लंबे पीरियड से वो कहीं नहीं मिलेंगे, डे टू डे वाले रह जाएंगे जो उठते भी रहेंगे रोज लगा के उठाए जाते हैं, उसके बाद फिर से वही कूड़ा देखने को मिलता है। एक्चुअली क्या है जो इलीगल वो खत्ते बना रखे हैं लोगों ने अब रोडों पर उनसे, तो उनमें मजबूरी ये हो जाती है ना करने को, रोज उठाने पड़ते हैं। नहीं तो हमारे तो 120 पॉइंट है जिन पर हमने खत्ते बना रखे हैं जिसमें हमारा स्टाफ जो सफाई कर्मचारी वो डालता है। और इसके अलावा हमने जो ना कमिश्नर मैडम ने हमारी ने सारे ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई हुई है, जितने भी जैसे हमारी झाड़ू लगती है सुबह 5 से 10 बजे लगती है, तो उसको लोगों की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नर मैडम के आदेश में हर अधिकारी सुबह और शाम सुबह 5 से 10 के बीच में 2 बार 1 बार राउंड लेके उनकी प्रॉपर हाजिरी चेक करता है और मौका चेक करता है जिससे कि वाकई शहर में सफाई हो रही है कि नहीं, तो उसको भी नियंत्रण किए हुए हैं मैडम कमिश्नर मैडम के आदेश में। तो व्यवस्था में सुधार है और जल्दी उसको हम कवर कर लेंगे। जैसा फरीदाबाद पहले था 5 दिन पहले वैसा ही आज, और केवल 5 दिन बच रहे हैं 30 जून आने में। ये खत्ते कूड़े कचरे के हटेंगे या फिर नहीं हटेंगे, या फिर एक जो मंत्री है उसका काम आकर जनता को ये दिखाना कि मैं आया हूँ, मैंने फटकार लगाई है, मैंने सस्पेंड भी किया है, लेकिन काम तो कुछ भी नहीं हुआ, कार्य तो हुआ ही नहीं। क्या फायदा हुआ एक मंत्री का फरीदाबाद में आने का, क्या फायदा हुआ अधिकारियों को डांट लगाने का,